आज हम करेंगे फ्लेमिंगो बुक का सेकंड लेसन जिसका नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग एक तरह से समझ लीजिए लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब लॉस्ट चाइल्डहुड है, क्योंकि स्प्रिंग अगर हम अपने जीवन से कंपेयर करें तो स्प्रिंग वो टाइम होता है जो हमारा चाइल्डहुड चल रहा होता है। स्प्रिंग सबसे अच्छा सीजन माना जाता है, वैसे हमारी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम हमारा चाइल्डहुड होता है। अब यहाँ पर राइटर अनीश जंग ने दो चीजें इंपॉर्टेंट ली है। अनीश जंग जो कि बहुत ही अच्छी राइटर रही है इंडिया की, उन्होंने दो चीजें ली हैं, एक तो पॉवर्टी और दूसरा है चाइल्डहुड लेबर। पॉवर्टी और चाइल्डहुड लेबर को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने दो पार्ट्स लिए हैं स्टोरी के। पहला पार्ट तो है एक लड़के के बारे में जो कि सीमापुरी इलाके में रहता है और रैक पिकिंग का काम करता है। दूसरा लड़का है मुकेश जो कि फिरोजाबाद की बैंगल इंडस्ट्री में काम करता है। फिरोजाबाद जो कि एनसर्कल्ड है साहूकार्स पॉलिटिशियंस पुलिसमैन के द्वारा, जहां से वो लोग निकल नहीं पा रहे हैं और किसी भी तरह से अपने लाइफ के लेवल को उठा नहीं पा रहे हैं। तो चलिए आज हम लॉस्ट स्प्रिंग से शुरुआत करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग का फर्स्ट पार्ट है आई फाउंड अ रूपी। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, साहिब यार। ये जो लड़का है इसका नाम मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, ऑलरेडी मैं थोड़ा सा हिंट इस बारे में दे चुका हूँ। अब ये जो स्टोरी है ये सीमापुरी इलाके में सेट है। दिल्ली में जितने भी पुरीज हैं वो माइग्रेंट्स की बसावट के लिए बनाई गई हैं। ज्यादातर पुरीज माइग्रेंट की बसावट के लिए बनाई गई है। सीमापुरी भी नहीं मिलती है। सीमापुरी दिल्ली की पैरी पैरी पर, पैरी पैरी मतलब एक सीमा पर स्थित है। मेटाफोरिकली ये दिल्ली की कंडीशन से काफी अलग है। वहाँ की कंडीशन बहुत ही बेकार हैं और बिलो पार है। वहाँ पर लोग बड़ी मुश्किल से अपना जीवन बसर करते हैं और ढाका से बांग्लादेश है तकरीबन 10,000 पीपल वहाँ पर रहते हैं। तो सीमापुरी इलाके में जो लोग रहते हैं वो उन्होंने राशन कार्ड अपना बनवाया हुआ है जिससे कि उनका दो वक्त का खाना उनको मिल जाता है। और खाने के लिए वो एक काम और करते हैं, वो रैक पिकिंग का काम करते हैं। रैक पिकिंग का मतलब है कि कूड़े के ढेर में से प्लास्टिक और मेटल्स को इकट्ठा करके अलग अलग करके और उसे सेल आउट करके अपनी आजीविका चलाना, दो वक्त की रोटी चलाना। और वो अपने आप को बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक और बड़ा ही फॉर्चुनेट समझते हैं अगर वो दो वक्त में अपना खाना पेट भर खा पाए और परिवार को खा खिला पाए। कहानी की शुरुआत इस तरीके से होती है जब राइटर अनीश जंग, की जो कि इंडिया की बहुत पॉपुलर राइटर हैं, जिन्होंने की स्टोलन चाइल्डहुड नाम से एक बुक लिखी है जिसका एक एक्सर्प्ट है लॉस्ट स्प्रिंग, वो सवाल पूछती हैं कूड़े के ढेर में से कुछ ढूंढते हुए एक लड़के से। उसे पूछते हैं कि व्हाई डू यू डू दिस। अब वो सवाल एक ऐसे लड़के से पूछती हैं जो कि ढाका से आया है। ढाका के ग्रीन फील्ड्स में वो लोग पहले रहते थे लेकिन वहां पर बहुत स्टॉर्म्स आते थे और वहां पर दो वक्त की रोटी कमाने के लिए कुछ भी नहीं था, लिविंग कमाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो लोग इंडिया माइग्रेट हो गए थे। वो लड़का जवाब देता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। उसके बाद अनीश जंग उससे पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। वो लड़का जवाब देता है कि मेरे आसपास कोई स्कूल है ही नहीं, मैं जाऊं कैसे। अनीश जंग वैसे ही एक बात उसको बोल देती है जैसे प्रॉमिस वो कर देती है। वो कहती है कि मैं अगर स्कूल खोलूंगी तो क्या तुम आओगे। तो उसका जवाब होता है हाँ मैं बिल्कुल आऊंगा। और उसकी स्माइल जो होती है ब्रॉड स्माइल होती है, वो बड़ा खुश हो जाता है। अब कुछ दिन के बाद फिर से अनीश जंग फिर से उस लड़के को मिलती हैं तो वो लड़का पूछता है कि आपका स्कूल खुल गया। तो ये सवाल सुनकर अनीश जंग जो है वो एम्बेरस हो जाती है, वो शर्मसार हो जाती है क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस किया था जो पूरा होना बड़ा मुश्किल था। वो कहती है कि स्कूल खुलने में समय लगता है, इसमें समय लगता है और काफी पैसा लगता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये लड़का मुझसे अगले बार जब मिलूंगी तो सवाल पूछ लेगा। तो इस सवाल से वो काफी एम्बेरस होती। वैसे भी गरीबों से बहुत सारे इस तरह के प्रॉमिसेस लोग दुनिया भर में करते हैं, जैसा कि ये प्रॉमिस एक छोटा सा प्रॉमिस गलती से अनीश जंग ने उस लड़के से कर लिया। दिन के बाद अनीश जंग उस लड़के से फिर से मिलती है तो उसका नाम पूछती है। वो अपना नाम बताता है साहिब आलम। जब अनीश जंग को उस नाम का पता चलता है जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो वो सोचती है कि अगर इस लड़के को अपने नाम का मतलब पता चलेगा तो इसे कितना महसूस होगा कि बेचारा कितनी खराब कंडीशन में आज जीवन जी रहा है। अब वो अनीश जंग अब सारे बच्चों को भी जान जाती है जो बच्चे साहिब आलम के साथ घूम रहे होते हैं, तो वो उन लड़कों से एक सवाल पूछती हैं। वो पूछती है कि वाई आर यू वेयरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल पैरों में क्यों नहीं पहने हुए हो, क्यों नहीं पहनते हो। तो उनके अलग अलग जवाब होते हैं। एक कहता है कि मेरी माँ ने शेल्फ से नहीं उतारा, दूसरा कहता है अगर शेल्फ से उतार भी देती इसकी माँ तो ये पहनता नहीं,
तीसरा लड़का कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी शूज नहीं पहने, मुझे शूज चाहिए। एक लड़का ऐसा है जिसने अपने एक पैर में अलग शूज और दूसरे पैर में अलग शू डाला हुआ है, पेयर ऑफ शूज में अलग अलग है दोनों चीजें। तो अपने आप अनीशियन एक आइडिया लगाती हैं कि शायद ट्रेडिशन है कि ये लड़के अनीशियन उनके बेयरफुट होने का खुद एक एक्सक्यूज देती हैं। वो कहती हैं कि शायद इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन ये है कि शायद ये एक ट्रेडिशन है नंगे पैर रहने का, जिस वजह से वो लड़के नंगे पांव रहते हैं, तो शायद उनको चप्पल दे भी दिया है तो वो नहीं पहनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, वो लड़के जो है पोवर है, पॉवर्टी स्ट्रिकन है, इसी वजह से उनकी ये कंडीशन है कि वो बिलो पावर लाइफ जी रहे। उसके बाद यहाँ पर एक ओडीपी की एक स्टोरी भी बताई गई है, जिसमें बताया गया कि किस तरह से एक लड़का मंदिर के बाहर से जाता है, जिस मंदिर में उसके फादर पुजारी है, हर रोज भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि भगवान मुझे शूज दे। एक दिन उसे शूज मिल भी जाते हैं। उसके बाद इस स्टोरी में बताया गया कि किस तरह से सीमापुरी में जो लोग हैं बिलो पार कंडीशंस में रहते हैं, और वहां पर 10,000 के अराउंड पीपल रहते हैं जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, और गार्बेज उनके लिए गोल्ड के समान है क्योंकि गार्बेज की वजह से ही वो अपनी अर्निंग कमा पाते हैं और अपने दो वक्त की रोटी से अपना पेट भर पाते हैं। रैग पिकिंग के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। उसके बाद साहिब अपने बारे में बताता है कि जब वो गार्बेज के अंदर ढूंढ रहा होता है तो कभी कभी उसे 1 रुपया या 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है, तो वो बहुत खुश होता है, ऐसा लगता है कि उसे गोल्ड मिल गया। अब ये दो चीजें हैं यहाँ पर, बच्चों के लिए तो वो एक सीक्रेट को अनफोल्ड करते हैं जब वो कूड़े के ढेर में से ढूंढ रहे होते हैं, कुछ उन्हें लगता है पता नहीं उन्हें क्या मिल जाएगा, जबकि बड़ों के लिए ये अपनी अर्निंग का एक साधन है, अपने दो वक्त की रोटी के लिए एक साधन है। कुछ दिन बाद जब वो फिर से एक सर्द सुबह में अनीशन लड़के से मिलती हैं, तो उसे वो एक टेनिस मैच खेल रहे दो लड़कों के फेंसिंग के बाहर खड़ा हुआ उसे पाती हैं, उसके पैर में जूते हैं, और वो एक्सप्लेनेशन देता है कि ये जूते मुझे किसी ने दिए हैं, शायद कोई लड़का जिसके एक जूते में छेद हो गया था तो उसने वो पहनने से मना कर दिया और वो डिस्कार्डेड जूते जो हैं वो अनीशन को मिल गए हैं। उसके एक हाथ में कैनिस्टर भी होता है, कैनिस्टर इसलिए होता है क्योंकि वो चाय की दुकान पे काम करने लगा है, उसे महीने का 800 रुपए मिलता है और दो वक्त का खाना भी मिलता है, लेकिन अब वो खुद का मास्टर नहीं है, अब उसके ऊपर कोई और ऑर्डर चलाता है और वो खुद सपने नहीं देख सकता। तो यहाँ पर एक तरह से बताया गया है कि साहिब आलम जो है वो हेल्पलेस है एक तरह से अपनी कंडीशन की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, और बताया गया कि किस तरह से चाइल्ड लेबर जो है वो इंडिया में आज भी हावी है। तो ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से साहिब आलम नाम का एक लड़का सीमापुरी नाम के इलाके में रहता है, जहाँ पर कि वो बिलो पार कंडीशंस में रहता है और गार्बेज में से रैग पिकिंग करके वो अपने फैमिली का भी काम चलाता है, अपना भी काम चलाता है, लेकिन लेटर ऑन वो चाय की दुकान पे काम करने लग जाता है जहाँ पर कि उसे 800 रुपये मिलते हैं, लेकिन अब वो खुद का मास्टर नहीं है, इज नो मोर इज ओन मास्टर। अगला जो पार्ट सेट है वो है, उसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये स्टोरी है एक लड़का मुकेश उसकी। मुकेश फिरोजाबाद की बैंगल इंडस्ट्री में काम करता है और अपने पूरे परिवार के साथ वो बैंगल्स बनाने का काम करता है। फिरोजाबाद के बैकग्राउंड के बारे में अगर बात करें तो फिरोजाबाद इंडिया का हब है बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री का, जहां पर लगभग सारे परिवार बैंगल मेकिंग के काम में लगे रहते हैं। अब यहाँ पर मुकेश के बारे में बताया गया है कि मुकेश कहता है कि आई वॉन्ट टू लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीखना चाहता हूँ। अब उस लड़के के लिए इतना सोचना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो लोग इस माहौल से निकल ही नहीं पाते। अगर बात करें फिरोजाबाद की और मुकेश की फैमिली के बारे में, तो वो उन फैमिलीज में से है जो पॉवर्टी स्ट्रिकन है, और वो लोग पूरे दिन फर्नेसेस में काम करते हैं, डिंगी सेल्स में काम करते हैं, जहां पर उनकी आंखें जो हैं वो ब्राइटनेस से ज्यादा डार्कनेस के प्रति एडजस्ट हो गई हैं, और वो अगर ब्राइटनेस में आते हैं तो उनको अजीब लगता है, उनको सही जब ही लगता है जब वो डिंगी सेल्स में उन फर्नेसेस में काम करते हैं, जहां पर कि वो माउल्ड करते हैं उन बैंगल्स को और गोल करते हैं। अब अनीश जंग उस लड़के से जब मिलती है तो वो उसको बड़ा खुश होकर अपने घर लेके जाते हैं। अनीश जंग को अपने घर लेकर जाता है, और लेकिन वहां जब जाता है तो स्टिंकी लेन्स होती हैं और गार्बेज पड़ा होता है, हर तरफ स्मेल आ रही होती है और हर तरफ गार्बेज पड़ा होता है। वो घर पर लेकर जाता है तो उसे बड़ा प्राउड फीलिंग होती है, जैसे वो पता नहीं क्या दिखाने जा रहा है। अनीश जंग जो पिक्चर देखती है वो देखती है कि हाफ बिल्ड एक हाउस है, जहां पर एक लेडी है जो बहुत एज की नहीं है, जो शायद
मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है और वो घर के तीनों मेल्स का काम संभालती है, तीनों के लिए खाना बनाती है और वो सर झुकाकर नमस्ते करती है। मुकेश की माँ अपने बारे में बताती है, फैमिली के बारे में बताती है कि ये हमारा ट्रेडिशन है, हमारे लिए हमारा कर्म है चूड़ियाँ बनाना। मुकेश के फादर पहले एक टेलर का काम करते थे और उसके बाद वो बैंगल्स बनाने का काम करने लगे। उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है कि उन्होंने घर पर छत दी है उनको, इसके अलावा उनके बस के ज्यादा नहीं था। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया क्या नहीं, क्यों नहीं, इस बात का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनके लिए इतना ही बहुत था कि वो अपने बच्चों को छत दे सकें जो उन्होंने आज दी है। अब यहाँ पर कई और चीजें बताई गई हैं, जैसे कि फिरोजाबाद की बेंगल इंडस्ट्री में साहूकार्स, पॉलिसमैन, पॉलिटिशियंस का एक विशेष सर्कल है। विशेष सर्कल का मतलब एक ऐसा सर्कल है जिससे कि वो लोग बाहर निकल ही नहीं पाते, क्योंकि अनीश जंग जब उनसे कहते हैं कि तुम कॉपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, एक कॉपरेटिव बनाकर तुम सारे मिलकर काम कर सकते हो, तो उनका जवाब होता है कि ये लोग हमें उससे निकलने ही नहीं देते। तो जब लास्ट में जाकर अनीश जंग मुकेश से एक सवाल पूछती है कि क्या तुम एक पायलट बनने का सपना भी देखते हो, तो उसका जवाब ना में होता है, क्योंकि वो इतना सोच ही नहीं पाता। एट द एंड ऑफ द सेकेंड पार्ट ये बताया गया है कि अ वेरी फ्यू प्लेन्स फ्लाई ओवर द सिटी, फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम प्लेन्स उड़ते हैं, तो सपना भी कैसे देखें, इतना एनसर्कल्ड है वो पॉवर्टी से, एक्सप्लॉयटेशन से, कि वहाँ के लोग बड़े सपने भी देख नहीं पाते। उनकी पूरी लाइफ उन्हीं डिंगी सेल्स में बीत जाती है जहाँ पर कि वो बैंगल्स बनाते रह जाते हैं। तो इस तरह से सेकेंड पार्ट था, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट दोनों की एसेंस जो है चाइल्ड लेबर और पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन सेकेंड पार्ट में ज़्यादा अहमियत रखता है, जहाँ पर साहूकार्स, पॉलिटिशियंस और पुलिसमैन ने एक ऐसा सर्कल बनाया हुआ है कि अगर वो उसे तोड़ने की कोशिश भी करेंगे तो वो लोग शायद उनको जेल में डाल देंगे, इसलिए वो कभी हिम्मत नहीं कर पाते कि कभी वो उससे निकल पाए। अब मैं इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स भी डाल रहा हूँ और नोट्स के लिए लिंक भी डाल रहा हूँ, जिनको देखकर आप इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द लेसन देख सकते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज मेरा एक पोल भी है जिसमें आप जवाब देंगे कि आपको दोनों में से पार्ट कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, साहिब आलम वाला या मुकेश वाला, ये आप इस पोल में जरूर बताएं। पोल अभी ऊपर आपके सामने जाहिर हो जाएगा, उसमें आप बताएंगे कि कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा। इसी के साथ मैं सेकेंड पार्ट ऑफ द फ्लेमिंगो बुक, सेकेंड लेसन ऑफ द फ्लेमिंगो बुक, द लॉस्ट स्प्रिंग को फिनिश अप करता हूँ। थैंक यू सो मच।